अरशद वारसी की पत्नी मारिया गोरेती नई दिल्ली। अरशद वारसी गोलमाल सीरीज में अपने कॉमिक अंदाज से सबको हंसाने का काम करते हैं और मुनभा एमबीबीएस सीरीज में उनका सर्किट अंदाज तो अभी तक जेहन से नहीं निकला है। इश्किया में बब्बन के किरदार से भी अरशद वारसी ने खूब वाहवाही लूटी है। अरशद वारसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे अपने दोस्त की पार्टी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और तभी सेल्फी के दीवानों की भीड़ उन्हें घेर लेती है। इस दौरान उनकी पत्नी मारिया गोरेती भी उनके साथ थी। सेल्फी के शौकीनों के इस तरह टूट पड़ने को देखते हुए मारिया गोरेती तेजी से वहां से हट गई और निकल गई। उनका ऐसा करना बनता भी है क्योंकि फैंस को सेल्फी जो लेनी थी उन्हें किसी और चीज का ध्यान कहां। प्रिया प्रकाश वारियर को इस शख्स ने उन्हीं के हथियार से किया घायल। देखे वीडियो ए पोस्ट शेयर बाय वुम्पला एट वुम्पला ऑन April 12, 2018 एट सुबह के 9:49। प्रशांत डेलाइट समय डायरेक्टर शेखर कपूर ने कहा, बॉलीवुड नहीं कर सकता इनका मुकाबला क्योंकि अरशद वारसी बॉलीवुड के उन सितारों में से हैं बहुत ही चुनिंदा काम करते हैं। उनकी आने वाली फिल्मों में टोटल धमाल, फ्रॉड सहैया और भैयाजी सुपर हिट शामिल हैं, जिनमें वे फिर से कॉमिक अंदाज में दिखेंगे। टोटल धमाल उनकी धमाल सीरीज की ही अगली फिल्म है, जबकि भैयाजी सुपर हिट में वे सनी देओल के साथ हंगामा करते दिखेंगे। फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश के एक गैंगस्टर की है जो एक्टर बनना चाहता है। वरुण धवन के साथ सेल्फी चाहता था ये नन्हा फैन और फिर हुआ कुछ ऐसा। अरशद वारसी ने करियर की शुरुआत 1987 में महेश भट्ट की काश के साथ बतौर डायरेक्टर की थी। अरशद वारसी ने रूप की रानी, चोरों का राजा 1993 टाइटल सॉन्ग कोरियोग्राफ किया था। अरशद ने 1996 में तेरे मेरे सपने से बॉलीवुड में एक्टिंग करियर शुरू किया। ये फिल्म अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की थी। उन्होंने कई फिल्में की लेकिन वे फेल हो गईं। 2003 में मुनभा एमबीबीएस के सर्किट के रोल ने उनके करियर में नई जान फूंकी। और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों खबरें। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वाइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।